अपोजिशन से फैसला नहीं हो रहा है कि उनका स्टॉप कौन सा है, कभी कोयटा, कभी कराची और कभी लाहौर में जलसे का ऐलान करते हैं। पीडे रहनुमा फैसल जावेद की मीडिया टॉक, कहा अपोजिशन से फैसला इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आवाम उनके साथ नहीं। लियाकत बाग जलसा दिखाएगा कि आवाम किसके साथ है। ये अपोजिशन वाले, इनसे डिसाइड ही नहीं हो रहा कि इनका स्टॉप कौन सा है। कभी कराची के जलसे का ऐलान करते हैं, कभी लाहौर, कभी क्वेटा, तो गुजरांवाला, कुछ समझ नहीं आ रही है क्योंकि इनके साथ अवाम नहीं है। अवाम इनसे एक सवाल पूछती है कि आप 30 साल से ये वही चेहरे हैं जो बारी बारी इकतदार में आते रहे, लेकिन इन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। इनके अपने हालात बहुत बेहतर हुए, इनकी ओमनियाँ ऊपर गईं, इनकी टीटियाँ ऊपर गईं, बैरून मुल्क सासे ऊपर गए, ये खुद बहुत ज़्यादा अमीर हुए, लेकिन अवाम का बुरा हाल किया। वो चेहरे जो 30 साल से बारी बारी इकतदार में आते रहे, और इमरान खान साहब जिन्हें अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं, वो दिन रात अवाम के लिए मेहनत कर रहे हैं, एक एक चीज अवाम के लिए कर रहे हैं। आगे से जाके हमारे रिफॉर्म्स के अब रिजल्ट्स आएंगे, महंगाई भी कम होगी, और कल आप देखेंगे कि लियाकत बाग में तहरीक इंसाफ का एक इज्तमा हो रहा है जिसमें सिर्फ एक रीजन के अहदेदारान जो हैं उनकी हल्फबरदारी की तकरीब है। वो आप देखेंगे कि पब्लिक खड़ी किसके साथ है। कल का इज्तमा बताएगा लियाकत बाग का कि आज भी पब्लिक जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है, आज भी स्ट्रीट पावर जो है वो इमरान खान की है।